देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बड़े उद्देश्य के लिए आदरणीय लालू प्रसाद जी के साथ मिलकर के महागठबंधन फिर से दोबारा बनाई और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। देश देख रहा है बिहार, बिहार ने जो राह दिखाई। अब कुछ लोग कहीं और दिल दे बैठे हैं तो वो डील की बात कर रहे। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया सारी बातों को, और किसी के कहीं कोई जाने आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन जो बना है सात दलों का, ये बिहार तो झांकी है, अभी पूरा देश 24 में बाकी है। तो कुछ लोगों का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, अगर फिर से खोज रहे अपना ठिकाना, इस पर हमें कुछ नहीं कहना। अगर नीतीश कुमार मुझसे जदयू छोड़ने के लिए कहते हैं तो मैं कभी नहीं करूंगा। मैंने जिम्मेदारी दी है कि इस पार्टी को बचाने के लिए लड़ूंगा। जदयू की वर्तमान स्थिति से मैं निराश हूं। पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में कुछ बातें कही जा रही हैं और सीएम ने भी उन बातों को प्रोत्साहित किया है। कुछ कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ डील हो गई है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने की अपनी मांग को दोहराता हूँ। मैं केवल सीएम को सलाह दे सकता हूँ कि यह पहचाने कि कौन अपना है कौन नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। देखिए, सारे चीज़ों का जवाब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ही दे दिया। ये वैसे भी जेडीयू का आंतरिक मामला है। अब जेडीयू ऐसे देख रही है, जेडीयू का नेतृत्व देख रहा है, लेकिन जिस तरह की भाषा बोली जा रही है, जो सवाल किए जा रहे हैं, उससे तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भ्रम की स्थिति जनता में नहीं है। जनता सब समझती है और जनता समझदार है, इसलिए ये इस तरह की बात करके अभी जो किसी के इशारे पर स्क्रिप्ट कहीं और से लिखा जा रहा, बयान दे करके विवाद उत्पन्न करना चाह रहे हैं कोई, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। महागठबंधन पूरी तरह से अटूट है, महागठबंधन महामजबूत है और अपने काम पर लगी हुई है। इसलिए कुछ लोगों को जहाँ वो दिल दे बैठे हैं, वो अपना डील कर चुके हैं। यह उनका किसका, बयान देने वालों का किनसे क्या डील हुआ, पहले यही खुलासा हो जाए जनता के सामने। तो ये सब चीज़ जेडीयू का आंतरिक मामला है, ये हम लोगों का विषय नहीं। प्रशांत किशोर ने भी ट्वीट करके हमला बोला है। जब नीतीश कुमार मार्च 2022 को दिल्ली में मुझसे मिले तो उन्होंने मुझे महागठबंधन के बारे में बताया और मुझसे शामिल होने का अनुरोध किया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन जारी रखा तो 2024 के चुनाव जीतने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा और बीजेपी अपनी पार्टी के सीएम चुनेगी। देखिए, ये तो सबको पता है कि आज जो लोग बयान दे रहे हैं, वो सारे बयानों को बिहार में जो प्रस्तुत किया करवाया जा रहा है कहीं और से, तो स्क्रिप्टेड है। और ये सब चीज़ों के लिए तो लोग लगे हुए हैं। तो हमारे नेता ने भी कहा कि हम इन बयान वीरों के सुध नहीं लेते, हमें काम पर, मुद्दे की बात पर ही बात करनी है। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी क्या बोल रहे हैं, ये लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं। अब ऐसे बयानों का क्या मतलब है, जो बातें बीत गई, कल तक जिन्हें उंगली पकड़ करके अपने दल में लाया, राजनीति का राजनीतिक व्यक्ति चेहरा बनाया, और वो आज ज्ञान दे रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी का राजनीतिक जीवन खुला किताब है और इतना लंबा अपार अनुभव है कि वो समुद्र है, उसमें जो जाएंगे डूब जाएंगे। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू संत हैं वो आतंकी और जल्लाद हैं। देखिए, सब बकवास की बातों से हमें
कोई बहस नहीं करनी है। हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया, श्री तेजस्वी यादव जी ने कट्टर पंथ के खिलाफ, चाहे वो किसी धर्म के खिलाफ हो, हम लोग हैं। किसी को भी किसी धर्म पर, किसी धार्मिक संत महंतों पुरोहितों मौलाना पर इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। हमारे लिए जो राजनीतिक व्यक्ति हैं उसके लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है, धर्म है, संविधान को मानना। संविधान से बड़ा क्या है? और अपना धर्मनिरपेक्षता और जो हमारा है शोषित वंचितों की लड़ाई, ये असली लड़ाई है। इधर उधर की बात करने से बेहतर हो कि हम असली लड़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करें। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के जम्मू कश्मीर में पुलिस को और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उसके जवाब में जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा खंडन किया गया है और कहा गया कि इस तरह के आरोप बेतुके हैं, ओछी राजनीति की जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस ऐसे बार बार बयान बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा को सुर्खियों में रखने के लिए कहा जाता है। गौरव भाटिया ने यह बात कही। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता क्या कह रहे हैं उसका कोई मतलब है? राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को जो जनसमर्थन मिला, तो बीजेपी की तो बेचैनी बढ़ी गई है। जम्मू कश्मीर को लेकर के आज चाहे लाख कुछ भी कोई कह दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर लगी हुई है कि श्री राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का हम गलत मैसेज का देने का प्रयास करने में जुटी है और तरह तरह के हथकंडे रोज उनके खिलाफ निकाल करके उसे हवा देने में लगी। लेकिन राहुल गांधी जी का जो मिशन था, यात्रा था, वो सफल साबित हुआ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।